बकासुर का वध। वैशम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था। देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहीं आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े, उसकी कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से दो घूंसे कसकर जमाए, फिर भी वे खाते ही गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे-धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई, वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटककर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को न सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे बूढ़े और स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने-अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे, अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंदोत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवन,
बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया? कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदा अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया, बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाही। इस पर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो। किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। उसमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको एक अर्बुद गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी एक वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको एक अर्बुद गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड़ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्नि कुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचाल वासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नक, उभरी छाती और टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी।
उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रत्न कृष्णा है, देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी कि ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां न जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवं अस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट और असहिष्णु है। बल, रूप, धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि के द्युति से हुई है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टद्युमन। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युमन को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्धानुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था।